तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं साहिल क्रिएटिव लेकर आ गया एक नई वीडियो। और मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो डबल पिन वाला जो बोर्ड होता है कुछ इस तरह का, मैं इसकी वायरिंग बताऊंगा आपको कि मतलब किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और ये सब मैं बता दूँ। ये सब घर में पड़ा रहता है सब सामान, तो सोचा मैं वीडियो बना दूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे खोल के चारों चीज़ों को इसके अंदर फिट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइज मैंने ये जो है चारों चार फिट कर दिए। अब मैं आपको ने इसकी जो वायरिंग है वो करके दिखाता हूँ कि आपको दिखने में जूने लग रहे हैं, क्योंकि ये सब जो पहले से पड़े हुए थे घर में, और सोचा कि वीडियो बना दूँ। मैं ये सब चीज़ें घर पे रखता हूँ, कभी भी काम आ जाए, इसलिए चलो मैं इसकी वायरिंग बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले वायरिंग में ये जो पॉइंट है यहाँ सी यू इधर तक जाएगा, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक इतना वायर लेना है माप के, और इन दो को कनेक्ट कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैंने कनेक्ट कर दिए। अब क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट है ये वाला है, इन दो को लूपिंग कर दिया, यानी इन दो को जॉइंट कर देना है सिंपल। मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह जॉइंट कर देना है। देखो मैंने सिंपल सा एक वायर कट करके ले लिया था। अब इन दो को इसको इससे कनेक्ट कर देना है। अब अगले पार्ट में क्या करना है कि जो यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ तक एक सिंपल सा वायर कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से जो यहाँ तक है इन दो में सेम टू सेम सिंगल वायर कनेक्ट कर देना है। मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जॉइंट कर दिए दो को, तो देख सकते हो आप इसकी पूरी वायरिंग हो गई है। अब मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि अमुक बार हमसे कुछ बड़ा वायर कट जाता है, तो उसको ऐसा खुला मत छोड़ दो, इसे वला दो, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी टच वच वगैरह हो गया तो आपके घर में भड़क हो सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, और आप ध्यान रखना इस बात का। तब मेन लाइन ये है कि जो बाहर से जो आएगी दो लाइन फेस और न्यूट्रल, जो मेन एक जो उसे पावर देगी, तो उसे कहाँ डालना है, क्योंकि वो बहुत से लोग को जो लोग ज़्यादातर लोग इतना काम तो कर लेते हैं, इसको आसान है। अब जो मेन लाइन है उसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं अपने। माफ़ करना फ्रेंड्स, मैं आपको जो मेरा वायर है उसको मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। और हाँ, मैं बोल दूँ कि आप जितना चाहता वायर ले सकते हैं आपके हिसाब से, आपको कहाँ तक ले जाना है कहाँ तक नहीं। तो क्या करना है, सिंपल सा जो प्लग जॉइंट कर देना है, ये मैंने बताया जो मेरी पिछली वीडियो में जो था सिंपल स्विच बोर्ड, उसमें मैंने मतलब बताया सिंपल होता है, इसमें खाली दो वायर कनेक्ट कर देना, तो कुछ नहीं होता। अब इसे अपना रखते हैं साइड। अब ये जो है, ये जो बोर्ड के अंदर कहाँ जाएंगे, इसे आप ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले ये जो वायर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लो। फोल्ड करने के बाद एक वायर जो है वो फाइनल इधर ही जाएगा इस वाले में, और जो दूसरा वाला है वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रख दो। पर हाँ, जो एक जो पहला वाला वायर है उसे सिर्फ इधर रखना, और दूसरा वाला इधर रख सकते हो या फिर इधर रख सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने कनेक्ट कर दिए एक वाला इधर और एक वाला इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी कर सकते हो और इस वाले में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे पूरा सेट कर लिया है, देख लो। अब मैं यहाँ से स्विच चालू करता हूँ, देख लो, आपको बता दूँ कि मैंने बोर्ड में लगाया है।
अब चलो इसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने टेस्ट करने के लिए जो एक चार्जर और मोबाइल लिया है और एक ये बल्ब लिया है। तो सबसे पहले बल्ब जलाते हैं, देख सकते हो आप कोई कनेक्शन नहीं है इधर, ये जो बोर्ड सी जल रहा है देख लो। अब जो चार्जर है वो देखो, फ़ोन अभी मैंने बंद करा है, जैसे स्विच चालू करूँगा जब देखना आप, देख सकते हो आप, देख लो चार्ज का वो बता रहा है। तो आपने दोनों चीज़ चालू है देख लो, ये बल्ब और ये फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, तो यानी अपना बोर्ड एकदम सही वर्क कर रहा है। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करो।